असलकम वरम् वर्बला का तहकीकी जायजा बहत्तर की, की रोशनी में आज इस हदीस नंबर अठारह पेश की जाए मसरत अहमद की हदीस में है कलसूम ताबई कल्सूम का बयान है कि हम वस्त जो इराक़ का एक शहर है में सयदना अब्दुल ब रहा के पास बैठे थे उन्होंने पानी मांगा तो एक चांदी के नक्श निगार वाले बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया और फिर रसूल सल्हुआस का जिक्र करते हुए बड़ी हसरत के साथ बयान फरमाया कि आप हमसे ये इरशाद फरमाया था देखना मेरे बाद दोबारा काफर ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ फिर अबुलगा मज़ीद फरमाने लगे कि एक मौका पर मैंने एक शख्स को देखा वो फलाम मेरी एक महबूब शख्सियत का तस्करा बुराई के साथ कर रहा था तो मैंने कहा अल्लाह ताला की कसम अगर लश्कर में मेरे हथे चढ़ गया तो तुझसे निपट लूंगा फिर जब चंगे सफीन का दिन बपा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे मैदान जंग में मिल गया उसने जरा पहन रखी थी मुझे जरा में एक शगाफ नजर आया तो मैंने ताक लगा कर नेजा मारा और उसे मार डाला लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मकतूल शख्स तो सदना अम्मा यासर रीला थे इन्ना। नाइले हिराज़ून यानी उस वक्त तक अबुल गादिया खुद भी सैदना अमार बिन यासर के अहम मर्तबे से नवाकिफ था। फिर अबुल गादिया खुद से मुहातिम होकर हुए और कहा ताज्जुब है कि एक तरफ तो इन हाथों ने चांदी के बर्तन में पानी पीने को तो पसंद ना किया और दूसरी तरफ सैदना अमार बिन यासर को कतल कर ड यानी उनका मकसद ये था कि वो इतने तकवे की परफाइज हैं कि चांदी के बर्तन में पानी नहीं पीना चाहा यानी कि रसूल सल्ला वसम ने सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया तो एक तरफ एक इस बात को भी उन्होंने पसंद न फरमाया और दूसरी तरफ हालत ये है कि हज़रत अम्मार जैसे जलीलर सहाबी जिनको जन्नत की बिशारतें और सबकूनबी नबी ने फरमाया वाह अम्मा तक तलुकाफ़ीबागिया और एक रवाज ने फरमाया अमार को कत्ल करने वाला आग में है तो नबी का सलात के ही मुखालफत की इतनी बड़ी मुखालफत का गुना मोल लिया और दूसरी तरफ एक पानी चांदी के जो गिलास में आता है तो वो नहीं पीते मुस्लिम अहमद की हदीस में है सजना मोहम्मद बिन उम्र ताबई रहा का बयान है कि जब सैदना अम्मा बिन यासर रजी अल्लाह तहो कत्ल हुए तो सैदना उमर बिन हजम रजी अल्लाह तहो हज़रत उमर बिन आस के पास आए और कहा कि सैदना अम्मा कत्ल हो गए याद करो कि अल्लाह ताला से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने पेशनगोई फरमाई थी कि अम्मा को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा ये सुनकर हज़रत अमर बिन आस फौरन घबरा कर उठ खड़े हुए और मुसल पढ़ने लगे हजरत बिन सुफियान के लश्कर में थे और उन्हें सारे मशवरे यही देते हज़रत मुआविया बिन सुफियान के पास आए और हजरत मुआविया ने इन्हें घबराया हुआ देख कर पूछा क्या हुआ हजरत बिन आस ने इन्हें जवाब दिया अम्मार कत्ल हो गए माविया बिन सुफियान ने पूछा हज़रत अम्मार यासर कतल हो गए तो फिर क्या हो गया ये सुनकर हजरत आस ने कहा मैंने ख़ुद सल्लल्लाहु सल्हुआ सल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि अम्मार को बागी करो कत्ल करेगा इस पर माविया ने गुस्से में आकर कहाहकता फिल्बालग तो अपने ही पेशाब में फिसर जाइए अरब का जरबुल को जलील करने के लिए ये बात भी कही जाती है गुस्से में थे तो उन्होंने कहा तू अपने ही पेशाब में फिसल जाए को हमने कत्ल किया है तो फिर हजरत ने इससे गलती की तवील करते हुए कहा इन्हें तो अली ने और उनके साथियों ने कत्ल किया है उनको अपने साथ लाए और लाकर हमारे नेजों के आगे डाला यानी कि हदीस को जानकर मुआविया बिन सूफिया ने ना सिर्फ उसकी बातिल तवील की उल्टा इमाम में अली करमल के ऊपर बख्तान लगा दिया कि इसे, इसे तो अली और उसके जो साथियों ने हमारे के दरमियान डाला तो फिर कतर हुए तो वही इनके जिम्मेदार है तो अहमद और की, की हदीस में है इन्हें हजरत उमर बिन आस को जब सैदिन अमार यासर के कत्ल की खबर दी गई तो उन्होंने फरमाया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सल्लाम को फरमाते सुना था कि अम्मार का कातिल और उनका सामान मालिक नीमत के तौर पर यानी लूटने वाला जहन्म में जाएगा वाल नवज़िल्ल किसी ने पूछा कि खुद आप भी तो अम्मार अम्माबिन यासर से लड़ने वाले ग्रोह में शामिल थे तो हज़रतमरबिन ने भी इस वाज़ ग़लती की तवील करते हुए कहा कि रसूल तो सिर्फ़ कातल और सामान लूटने वाले के लिए जहन्म का जिक्र कर रहे थे नवजबिल्ला इसके हवाले सारे आपको डी पी पर मिल जाएंगे सही सनद के साथ मतवातर हदीस है कुतब सि में हर मुदस लेकर आए बुहारी मुस्लिम में भी है वाई अम्मा तख अलबागी अब देखिए कि ये सहाबी हैं अमर इबन आस और ये भी सहाबी हैं माविया बिन सुफियान और किस तरह हदीस की बातिल तावीलात की जा रही है एक तरफ खुद अल्लाह के नबी को सामने देखते हैं कि आप फरमा रहे हैं कि हमारे तीस से ज़्यादा सहाबाक नाम इस हदीस के रामी हैं मतवातर हदीस की किस्मों में से बहुत हसीस हदीसें हैं जो कि मतवातर हैं तो यह वाह मार तख्तलोकफ़ीत बा ये भी एक मतवातर हदीस है इस हदीस का इनकार तो माविया बिन सूफिया भी ना कर सके अमर अबिन भी ना कर सके जो खुद हज़रतली की महाल्फत में जंग कर रहे थे लिहाजा तवील तवील बातिल की माविया बिन सूफिया ने कहा कि हमारे नेज़ों के दरम्यान अली लेकर आया तो गिराया तो अली ही इसका कतल है हज़रत अली को जब यह बात पता चली तो हज़रत अली ने कहा अच्छा मन हर जहाँ हुआ हुआ, हुआ कातिल तो फिर हज़रत अब हमज़ा बिन अब्दुलमतलब का कतल तो फिर रसूल ला हुए कि वही तो लेकर गए थे उन्हें जंग जंगद में यानी हज़रत अली ने मुँह में पत्थर भर दिए फसाहत और बलागत के अज़ीम मनसब और फ़ायदा हज़रत अली उनके उन जैसा आलम उन जैसा आपद तो कोई सहाबा कराम में इस था ही नहीं लिहाजा इन हदीसों से हमें पता चल गया कि माविया बिन सुफियान के लश्कर ने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि हदीस जानते हुए बातिल तवील की और अमर अबिन ने तो और ज़्यादा बातिल तवील की वो खुद इसको इस हदीस को अच्छी तरह जानते थे और जब किसी ने पूछा कि अभी आप भी तो उधर थे बोला कि नहीं सिर्फ वो सामान लूटने वाला और कत्ल करने वाला है यानी अपने पूरे ग्रोह को उस जहन्नम में जाने से बचा बचा रहे हैं बादल तबीर से लेकिन बागीत होने से तो नहीं बचा सकते क्योंकि पूरे के पूरे ग्रोह को रसूल वसल्लम ने बागी करार दिया इसीलिए उम्मत का इजमा हो गया मुहदसिन महक्की मौरखीन अदिल अरबा मुजद्दीन मुतरजमिन तमाम के तमाम चौदह सौ साल से यही लिख रहे हैं फम अलमाविय फ़त ब़ाऊन वो बागी हैं माविया सुफियान और उनके लश्कर और कहीं ने भी लिखा और कहीं ने यह भी लिखा कि म पर फायज़ होकर उन्होंने किया और फिस्क और जुल्म में जो है न फाइज होकर बगावत की नाक कत्ल किया मुहासबे से पाक नहीं है सलामकम वरम वर्का